जी, लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम फाइनेंस पोर्शन में से क्वेश्चन करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, और ये क्वेश्चन है हमारा स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एज यूजल पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम अटेम्प्ट भी करेंगे। चिरात मोबाइल्स प्रोड्यूसेस एंड सेल्स स्मार्ट मोबाइल एक्सेसरीज। इट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए लो प्राइस स्मार्ट वॉच फॉर द लोकल मार्केट। एक क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मेट बना दीजिएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। बताइए इस पहले पैराग्राफ में कोई फाइनेंस पोर्शन से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वॉल्यूम 2 है किसी के पास? वॉल्यूम पिक्चर ले लीजिएगा जी। इसमें क्या फाइनेंस पोर्शन से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं रेलिवेंट। लेकिन याद रखिए, मैंने पहले भी बताया था, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये मैनेजेरियल की केस स्टडी में हमारे लिए रेलिवेंट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 0.5 मिलियन ऑन मार्केट एंड प्रोडक्ट रिसर्च। हाउएवर ओनली रुपीज 0.2 मिलियन वॉज पेड एज एन एडवांस एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज ड्यू फॉर पेमेंट इन 2 मंथ्स टाइम। देखिए मेरा क्या ख्याल है, मेरा ख्याल ये है कि जो पे हो चुका है वो तो संक कास्ट है 0.2, लेकिन जो भी पे होना है वो रेलिवेंट कास्ट है, मेरा ये कहना है। क्या ये मेरा कहना ठीक है? नहीं, जो पे हो चुका है, रिसर्च कास्ट हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो, जो पे हो चुका है, इनकर कर चुका है, जो पे हो चुका है वो भी संक है, और जो पे होना है वो भी, क्योंकि चाहे बिजनेस स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें, वो पे आपको करना पड़ेगा। तो अहम चीज ये नहीं है कि पेमेंट हुई है कि नहीं, अहम चीज ये है कि रिसर्च कास्ट इनकर कर चुके हैं, अब वो आप पे करनी ही करनी है, चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें, वो संक कास्ट है, पास्ट कास्ट है, इररेलीवेंट है जी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम पहले वाले में? ओके, चलिए पहले वाले का ट्रीटमेंट समझ आ गया आपको। सेकेंड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्मार्ट वॉच वुड बी रुपीज 250 मिलियन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट। 250 मिलियन क्या है? ईयर नॉट में आउटफ्लो। फिर क्या है? द प्लांट वुड बी पार्टली फाइनेंस थ्रू ए लोन ऑफ रुपीज 100 मिलियन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम। द इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एनुअली एंड द प्रिंसिपल अमाउंट वुड हैव टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। क्या हमें लोन और उसके इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कंसिडर करना चाहिए? नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये, फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है, इसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कवर कर चुके हैं। आपको मैं यहां पे एक इंफॉर्मेशन बताता हूं, ये जो है 9, सीएम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। इस 20% को कैलकुलेट करते हुए, जो हमने एंड में यूज करना है, इस 20% को कैलकुलेट करते हुए ये लोन और इसका इंटरेस्ट रेट इंक्लूड हो चुका है। तो जब जो आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, वो चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है, तो अब उसको हमने दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इंक्लूड नहीं करना, वरना एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में शो हो रहा होगा और दूसरी दफ़ा इसकी एडजस्टमेंट वो नीचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब डिस्काउंटिंग हो रही होती है उसमें हो जाएगी, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के किसी भी क्वेश्चन में जो लोन है उसकी रीपेमेंट और इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना। इन्वेस्टमेंट प्रेजल के किसी भी क्वेश्चन में लोन, इंटरेस्ट और उसकी रीपेमेंट को कंसीडर नहीं करना। अब अगेन आई कैप के पास्ट पेपर्स को देखें तो वो इसी अप्रोच के मुताबिक चल रहा है। आई कैप की बुक को देखें, किसी क्वेश्चन में उसने लोन को इग्नोर किया है, किसी में हो सकता है उसने इसको रीपेमेंट में ले लिया हो, तो आप क्या करेंगे? बुक वाले, बुक में जो कभी अजम्पशन लेता है कभी नहीं लेता उसको फॉलो करेंगे, या जो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है वो क्या है? लोन, उसकी रीपेमेंट और इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ 250 मिलियन हमारा रेलिवेंट है, बाकी रेलिवेंट नहीं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर है? आगे चलते थर्ड में। द प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग ओन्ड बाय सीएम विच हैज बीन करंट ईयर रेंटेड आउट एट रुपीज 0.5 मिलियन
पर मंथ करंटली रेंटेड आउट के लास्ट ईयर रेंटेड आउट, भाई करंटली रेंटेड आउट के लास्ट ईयर रेंटेड आउट, इसका मतलब है जो इस साल का रेंट है ये वो बता रहा है अमाउंट, इस साल के रेंट की अमाउंट बता रहा है कि पिछले, ये 0.5 मिलियन पर मंथ, इस साल का ईयर वन का रेंट है कि पिछले साल का, ये पूछना चाह रहा हूं, पिछले साल का या इस साल का। करंटली रेंटेड आउट का मतलब क्या है कि अभी अभी जो एग्रीमेंट साइन किया है, जो एक साल पहले साइन किया था, एग्री करते अभी अभी किया ना, तो जो ईयर नॉट पे किया है या ईयर नॉट से एक साल पहले, ईयर नॉट पे किया है, तो ईयर वन पे इसका इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा कि नहीं। नहीं, 0.5 मिलियन, अहम चीज ये नहीं है कि 0.5 मिलियन उसने कैलकुलेट करके दिया है, डिसाइड इस चीज के ऊपर होना है कि 0.5 मिलियन इस साल का है, करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का है तो मुझे इस पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने हैं, और अगर प्रीवियस जो करंट ईयर का है मुझे इस पे इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, फिलहाल इसको थोड़ा पेंडिंग कर देता हूं, शायद नीचे जाके जहां पे इन्फ्लेशन दी हुई है ना उसने, उसमें क्लियर कर दे कि किस किस आइटम को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, किसको नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके जहन में छोड़ के आगे जा रहा हूं कि क्या ये 0.5 मिलियन रेंट, इसे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हमने करनी है या नहीं करनी। ठीक है, साल में तो कन्वर्ट करना है, तो हमें पता चल गया 0.5 मिलियन पर मंथ है, इंटू 5 ये 6 मिलियन हो जाएगा। आगे चलते हैं, CM expects to produce 3000 watches per month. Per month है। Sales volume is expected to increase by 5% per annum. अब बताइए ये जो sales volume ये 3000 है, year one का है या कि year one में inflation का agreement लगेगा? Year one में 3000 के हिसाब से calculation होगी या 3000 प्लस इन्फ्लेशन के लिहाज से? 3000 के लिहाज से, क्योंकि कहा है एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है अभी ये प्रोड्यूस करनी है, जो उसने ईयर वन में प्रोड्यूस करनी है, तो ईयर वन में इसका मतलब है जो हमारी प्रोडक्शन होगी, सेल होगी, वो होगी 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 वॉचेस, 36000 वॉचेस, और ईयर वन में जाके, सॉरी ईयर टू में जाके हमने इसको ग्रो करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? एस्टिमेटेड टू बी ₹4000 पर वॉच। अगेन एस्टिमेटेड टू बी 4000, ये कंट्रीब्यूशन पिछले साल का है या के करंट ईयर इस साल का है? ये ईयर वन का है। क्या इसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब है ईयर वन में ना तो ग्रोथ की एडजस्टमेंट होगी ना ही इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, चले इस पे आपने डिसीजन कर लिया, ठीक है, रेंट का डिसीजन नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी एहतियातन नीचे जाके देख लेंगे कि हो सकता है वो क्लियरली बता रहा हो कि आपने किस किस में एडजस्टमेंट करनी है और किस में नहीं करनी। फिर कह रहे हैं वेयर इज द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू ₹58 मिलियन। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 58 मिलियन। ये एलोकेटेड है कि इस प्रोजेक्ट की अपनी फिक्स्ड कॉस्ट है, इस प्रोजेक्ट की अपनी फिक्स्ड कॉस्ट है, सारी की सारी आएगी। मेरा तो ख्याल है फिक्स कॉस्ट संक कॉस्ट होती है, इसको तो इग्नोर करना चाहिए, इंक्रीमेंटल रेलिवेंट होती है। फिक्स कॉस्ट में जो इंक्रीमेंटल होगी वो रेलिवेंट होते हैं। तो अगर जो फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल है यानी इस प्रोजेक्ट की वजह से है, फिर इसके कैश फ्लोज में आनी चाहिए, रेलिवेंट है। और अगर वो ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर चुके हैं, सिर्फ एलोकेट कर रहे हैं इसको, फिर नहीं, ग्रेड। यहाँ पे क्वेश्चन में देखे मुझे बताया एलोकेटेड है कि इस प्रोजेक्ट की अपनी है, नहीं बताया हुआ, क्या अज्यूम करें कि इस प्रोजेक्ट से रिलेट कर रही है 58 मिलियन। आगे चलें, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है? बस एक इश्यू जो है उसके ऊपर हम डिसीजन नहीं कर पाए, रेंट वाले के ऊपर, बाकी डिसीजन साथ चलिए। Additional working capital requirements are estimated to ₹50 million, which would be realized at 80% of its value at the end of fifth year.
अच्छा ऊपर उसने कहीं टाइम बताया प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, लोन में भी उसने बताया एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, और यहां पे एडिशनल वर्किंग कैपिटल में भी बता रहा है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ बता रहा है, नहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, फाइव ईयर्स 15 मिलियन एडिशनल। अच्छा ये उसने नहीं बताया कि ईयर नॉट में चाहिए, ईयर वन में कि ईयर टू में, ये 15 मिलियन कब चाहिए, तो कब चाहिए होता है, अस्सुम स्टार्ट में। अगर कुछ ना मेंशन किया तो याद रखें पहले दिन से आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ये ईयर नॉट में ही आउटफ्लो होगा, ईयर वन में पहले दिन से वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वर्किंग कैपिटल अगर तो उसने मेंशन कर दिया ना कि एट द एंड ऑफ ईयर टू, तो फिर आप जिस साल में मेंशन किया है उसके मुताबिक डिसीजन करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वर्किंग कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करवाना है, ईयर नॉट। कितना वर्किंग कैपिटल 15, अच्छा 15 मिलियन सिर्फ ईयर नॉट में आएगा कि हर साल में आएगा 15 मिलियन, ईयर नॉट। लेकिन प्रैक्टिकली तो वर्किंग कैपिटल हर साल मौजूद होता है, आता तो एक ही दफा है ना, मौजूद हर साल होगा, वो आएगा तो एक दफा है ना, तो हमने उसके इनफ्लो रिकॉर्ड करना है बिजनेस के अंदर, जो इनफ्लो है यानी जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट किया हमने, तो 15 मिलियन क्या होगा ईयर नॉट में आउटफ्लो, ये पैसे आपको खर्च करना पड़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो तो क्या करेंगे इस वर्किंग कैपिटल का, लास्ट ईयर में टोटल अमाउंट को इनफ्लो के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, है सही है। नो फर्दर, अच्छा फिर कह रहा है लेकिन एक एक इसमें ट्विस्ट है, कह रहा है विच वुड बी रियलाइज्ड एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, जो कि 80% ऑफ वैल्यू पे रियलाइज होगी। इसका मतलब क्या है कि जब बिजनेस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप इस सारे को डिस्पोज करेंगे, सेटल करेंगे, सारा लेन देन करेंगे, तो ये आपको 80% यानी 12 मिलियन रिकवर होगा। कुछ डेटर बैड हो जाएंगे, कुछ स्टॉक ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, कुछ डेटर बैड हो जाएंगे, कुछ स्टॉक ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, तो टोटल जो आपने 100% वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था रिकवरी कितने की होगी, 80%। अच्छा यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन, जो 20% लॉस है बैड डेट का या इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट होने का, या प्रोविजन फॉर बैड डेट कह ले या प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक कह ले, क्या ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में आएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, टैक्स में आना चाहिए। अच्छा अब ये टैक्स में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना आप एक्सपर्ट है, आप मुझे ये बताए, नहीं आप ही नहीं है, क्या अगर कोई स्टॉक ऑब्सोल्यूट हो जाए या हमारा ख्याल हो कि डेटर हमें रिकवरी नहीं दे पाएगा, पैसे नहीं दे पाएगा, प्रोविजन रिकॉर्ड करें, क्या टैक्स वाले इस तरह के एक्सपेंसेस को मानते हैं, अच्छा प्रोविजन को नहीं मानते, एक्चुअल बैड डेट और एक्चुअल अगर स्टॉक राइट ऑफ हुआ है उसको मानते हैं, ये पक्की बात है। अच्छा अब इसका मतलब है क्वेश्चन ये है कि जो 20% वो कह रहा है 80% रियलाइज होगा, 20% रियलाइज नहीं होगा, ये एक्चुअल की फिगर है या के प्रोविजन की फिगर है, अगर एक्चुअल की फिगर है तो इसे टैक्स रिटर्न वाली जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसमें आना चाहिए एक्सपेंस के तौर पे, जैसे डेप्रिसिएशन आता है, और अगर ये प्रोविजन की फिगर है फिर नहीं आना चाहिए, इससे एग्री करते हैं। अब कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये एक्चुअल एक्सपेंस की फिगर है और कितनों का ख्याल है कि ये प्रोविजन की फिगर है, चलिए अब जो एक्चुअल वाले हैं वो एक्चुअल के मुताबिक कर लें, दोनों को इजाजत है, अजम्पशन लिख देनी है, अजम्पशन लिख देनी है, जो समझते हैं ये एक्चुअली बैड डेट है एक्चुअल के मुताबिक करें, उस सूरत में वो टैक्स के कैलकुलेशन के अंदर जो 3 मिलियन है इसको एक्सपेंस के तौर पर शो करवाएंगे। देखिए प्रोविजन को, लेकिन हाँ लेकिन इस प्रोजेक्ट की लाइफ में तो नहीं आएगी, प्रोजेक्ट की लाइफ में तो नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनली जो मेरी पसंद है, यानी जो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ, मैं इसको राइट ऑफ करवा के अजम्पशन लिखूँ कि
कि ये राइट ऑफ है, एक्चुअल बैड डेट है, इसे डिडक्टेबल होना चाहिए टैक्स में। ये बात समझ आई आपको? वारंट, ये देखे, जिस तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट होती है ना, उसी तरह अगर एक तरह से वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर उसका वैल्यू कम हो रही है, वो टैक्स की कैलकुलेशन में आती है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू भी कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, वो भी टैक्स की कैलकुलेशन में आनी चाहिए, कंसेप्ट मैच तब भी होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि टैक्स वाले उसमें दो प्रोविजन है, तो कुछ और ट्रीटमेंट है, एक्चुअल है तो कुछ और ट्रीटमेंट है, और हमें क्वेश्चन के अंदर उसने कंफर्म नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने आपको अजम्पशन लिख के, क्या अजम्पशन लिख के, दोनों की इजाजत है। यहां तक क्लियर? अगर स्टेटमेंट क्लियर लिखी होती तो जो स्टेटमेंट लिखी होती उसके मुताबिक हम क्वेश्चन करते हैं। उसकी वर्डिंग क्या होती कि ये राइट ऑफ है और टैक्स वाले जो है वो अलाउ करते हैं, जो जो टैक्स एक्सपेंस टैक्स रूल्स के मुताबिक भी सेम अमाउंट अलाउएबल है, उस तरह की वर्डिंग देता। सिक्स पॉइंट क्लियर? सेवन, द प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द प्लांट सप्लायर हैज ऑफर्ड टू रीपरचेज द प्लांट फॉर रुपीज 80 मिलियन एट करंट प्राइस। ये बहुत अहम, बहुत अहम, बहुत ही अहम। एट करंट प्राइस का मतलब क्या है? टू डेज प्राइस। एट करंट प्राइस का मतलब क्या है? टू डेज प्राइस। इससे हमारा वो कंसेप्ट भी थोड़ा कंफर्म होता है, करंटली रेंटेड आउट मतलब टू डेज रेंटेड आउट, करंट प्राइस टू डेज प्राइस, करंटली रेंटेड आउट रेंटेड आउट, वो लग रहा है मुझे, लेकिन अभी आगे चलते हैं जहां पे वो हमें बताएगा, इन्फ्लेशन रेट शायद स्पेसिफाई कर दे। बहरहाल ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये 80 मिलियन उसने कहा है 80 मिलियन में खरीद लूंगा। कब खरीदेगा? कब? 5 साल बाद। आज क्या कह रहा है कि मैं कितने में खरीदूंगा? 80 मिलियन में। क्या एट द एंड ऑफ द लाइफ 80 मिलियन में ही खरीदेगा? 80 मिलियन तो आज के रेट के मुताबिक कह रहा है, 5 साल बाद इन्फ्लेशन रेट जो है उसकी वजह से फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम इस 80 मिलियन वैल्यू को अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज करना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, तो किस प्राइस पे इंक्लूड करेंगे? 80 मिलियन या 80 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट पावर 5? इन्फ्लेटेड अमाउंट करेंगे ना, क्योंकि टू डेज प्राइस रेट पे है। अब ये जेहन में रखिए, आपने परेशान हो जाना बाद में, सर ये किसी क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू को आपने इन्फ्लेट किया, किसी में नहीं किया। आप तो कहते थे रेजिडुअल वैल्यू ने इन्फ्लेट ही नहीं होना, तो यहां पे क्यों इन्फ्लेट कर रहे हैं? क्या पूछेंगे? आपने तो कहा था रेजिडुअल वैल्यू ने इन्फ्लेट ही नहीं होना, यहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे क्लियरली स्पेसिफाई कर चुका है इसमें कि ये जो 80 मिलियन है ये 5 साल बाद की वैल्यू नहीं है। अगर ये साथ में एट करंट प्राइसेस नाना लिखा होता तो मैं 80 मिलियन को एज इट इज ईयर 5 में इंक्लूड करता। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होते? वो ये नहीं कह रहा कि अभी बेच दे, ये अभी की बात नहीं कर रहा, कह रहा है मैं रीपरचेज करूंगा प्लांट। हमारे पास क्या ये प्लांट अभी मौजूद है? अभी हमारे पास मौजूद है? अभी तो फिजिबिलिटी बनी है, ये 5 साल बाद अवेलेबल फॉर सेल होगा। तो ये जो प्राइस बता रहा है कब की बता रहा है? 5 साल बाद। ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस वक्त होती अगर आज हम कोई एसेट यूज कर रहे होते और कोई सप्लायर हमें कहता या कोई पार्टी हमें कहती कि ये मुझे दे दो और इतने पैसे ले लो, उस वक्त हम कहते कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर लिखा होता, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कहता कि ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको ऑफर मिली है कि प्रोजेक्ट में यूज करने की बजाय इसको बेच दें किसी सप्लायर को, तो वो जितने प्राइस में हम बेच रहे होते या बेच सकते थे वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते। जी चलिए, अब आप फिर इसके बाद कह रहे हैं ऑल रेवन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन टू डेज रेट। All revenues are cost on quoted। ये तो क्लियर, मसला ही हल हो गया।
कह रहा है ऑल रेवेन्यूज आर, ये पूरे ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन में उनमें सबसे ज्यादा जो मुझे लाइन पसंद है वो ये वाली है, All revenues and costs are quoted on today's date and are expected to remain the same in the first year. आज कह रहा है जितने भी रेवेन्यू बताया है, जितने भी कॉस्ट बताया तेरे को, जितने भी रेवेन्यू जितने भी कॉस्ट हैं, वो सारे के सारे क्या है, करंट प्राइस पे और जो पहले साल में सेम रहेगी. इसका मतलब है वो जो रेंट था रेवेन्यू वो भी सेम रहेगा पहले साल में. इसके अलावा दूसरा कहां पे हमने असेसमेंट की थी, कंट्रीब्यूशन वो भी पहले साल में सेम है, फिक्स कॉस्ट भी पहले साल में सेम है. इसका मतलब यह है ईयर टू में इन्फ्लेशन स्टार्ट होगी, ईयर टू में पावर वन, ईयर थ्री में पावर टू. भाई समझ रहे हैं असेसमेंट को कि नहीं? Therefore, the estimated annual inflation of 9% would be applicable on all future revenue and cost. Inflation 9% पे है, लेकिन ये year one से start नहीं होगी, year two से start होगी. क्यों year one से क्यों नहीं start होगी? उसने लिखा हुआ expected to remain same in the first year. ये underline करें, expected to remain same in the first year. फिर tax rate है. Dismantling costs are allowed as an expense by the tax authority. Dismantling cost जो है वो tax वाले allow कर रहे हैं. इसको simple हम expense के तौर पर record करेंगे last year में. Cost of capital is 20%. By using net present value method, recommend whether CM should launch the new smart bus. Start करें इसको. हाँ जी बिल्कुल, 80 million भी inflation की power 4 होगी. अटेम्प्ट करवा दूं? नहीं नहीं, कर कैसे लेंगे आप? कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया हुआ है? डिस्पोजल में मसला आ रहा है तो यूं करते हैं ना, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं. ये ले अभी करते हैं, एक एक करके मुझे पूरा यकीन है आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देने में. स्टार्ट डिस्पोजल से करवाते हैं, देखते हैं पहले कौन डिस्पोजल का अकाउंट बना. डिस्पोजल कॉस्ट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव. निशे इन्वेस्टमेंट कितने जी? 250 मिलियन. रेट कितना था? 25% कहीं था मेरे. किधर है? The plant would be depreciated at the rate of 25% under the 15% under the reducing balance method. $250 million प्लांट की अमाउंट 250,000. 15% है डेप्रिसिएशन रेट. ना भाई कैलकुलेटर भी नहीं है. दो करना 250,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15. ये है जी पहले साल की डेप्रिसिएशन 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.81875 27,075 27,094 23,030 19,575. ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन. ये है जी रेजिडुअल वैल्यू. अच्छा रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 80,000. कितना कितना कितने मिलियन? 80 मिलियन. 80,000 ये आएगी ना? 80,000 इंटू 1.09 पावर 4 पावर 5 5 5 साल हैं. जी जी आप बताइए भाई, 5 साल हैं
तो पावर 5 आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए? 4 क्यों? पहले साल में कोई इन्फ्लेशन नहीं, क्यों नहीं? उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन फर्स्ट ईयर, प्राइस लेवल एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन द फर्स्ट ईयर। तो चले करें 80,000 इंटू 1.09 पावर 4, 112927। डिसमेंटलिंग कास्ट यहां पे नहीं आएगी, डिसमेंटलिंग कास्ट अलग से आउटफ्लो के तौर पे आ जाएगी, और फिर इसके बाद जो टैक्स की कैलकुलेशन है इसमें रिकॉर्ड होगी। डिसमेंटलिंग कास्ट आपके जहन में वो आ रहा होगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके कैपिटलाइज करना है, वो काउंटिंग का कंसेप्ट है, काउंटिंग का कंसेप्ट है। टैक्स वाले क्या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन में से प्रेजेंट वैल्यू करके ऐड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रूल्स के मुताबिक भी जिस साल का आउटफ्लो है ना उस साल में रिकॉर्ड होगा। ये आखिरी साल का आउटफ्लो है, आखिरी साल में रिकॉर्ड होगा। टैक्स वाले भी इसको कब अलाउ करेंगे? जब पे होगा, आखिरी साल में। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आखिरी साल लास्ट ईयर में आएगा। नहीं नहीं किया हुआ, ऐसे ना करें, माइनस किया हुआ, वो करें किया हुआ टैक्स किया हुआ। ठीक है जी, किया हुआ, किया हुआ जी। तो अब इसमें गेन या लॉस क्या आया? ये लॉस है, गेन नहीं। हो गया हो गया हो गया हो गया, 112927। नो प्रॉफिट नो लॉस, वहां बस ये रह गया था, ये 2001 ये गेन है जी, 2001 गेन जी। चेक कीजिए, क्लियर? डेप्रिसिएशन हमारी यहां पे आ जाएगी हर साल की, 1, 2, 3, 4, 5, और गेन लास्ट ईयर में। अच्छा आप मुझे बताइए जरा, ये प्राइस, ये वैल्यू किधर जाएगी? 250,000 ईयर नॉट में आउटफ्लो, ये किधर जाएगी? इनफ्लो। ये तो 80,000 थी, इन्फ्लेट हुई, ये ईयर वन, ये सारे टैक्स का ईयर वन, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव, और ये गेन ईयर फाइव में। क्लियर? कोई और एडजस्टमेंट, कोई और वर्किंग कैपिटल की अगर आप कहें तो? पक्की बात है, अगर ऑनलाइन में से किसी एक स्टूडेंट ने भी कोई एक सवाल पूछ लिया ना इस क्वेश्चन में, आइंदा मैं आपको पूरा सवाल करवाया करूंगा, पक्की बात है। कल के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट का ही क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।